हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट इलेवन मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन स्पाइस आइसले T10 में होने वाले आज के तीसरे और आखिरी मुकाबले की। नेटमैक वॉरियर और क्लोव चैलेंजर के बीच में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम्स अपने तीन तीन मुकाबले कंप्लीट कर चुकी है। अब अगर आप देखो, दूसरा मुकाबला शुरू हो गया और आज के दिन का पहला मुकाबला 11 विकेट गिरी, करीब करीब 200 रन बने। तो एक पैटर्न ये है कि भैया पहली इनिंग के बैट्समैन बहुत ज़्यादा जल्दी विकेट खो रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जो गिर रही हैं वो पहली इनिंग के बैट्समैन की गिर रही हैं, प्लस साथ में चेस करते हुए विकेट्स कम गिर रही हैं। तो देखकर चलना, जोन से भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है उनके बैट्समैन थोड़े से ज़्यादा हम कम लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। NW की अगर आप बात करो, तीन में से दो मुकाबले हारी है, एक मुकाबला जीती है। क्लोव चैलेंजर्स भी अपना तीन में से एक ही मुकाबला जीती है, दो अपने हारी है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेटमैक वॉरियर और क्लोव चैलेंजर के बीच में 12वां मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जिया ग्रेनेड में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। 3 जून मतलब आज के दिन 11:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही टीम्स तीन तीन मुकाबले खेल चुकी है और दोनों ही टीम्स अपना एक एक मुकाबला जीती है और दो दो मुकाबले अपने हारी है। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, बैटिंग फेवरेबली पिच लग रही है, बट चेजिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि यहाँ पर आप रन्स पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा करो। पहली इनिंग में ज़्यादा विकेट्स गिरी हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। 8 विकेट पहले मुकाबले में पहली इनिंग में गिरी और दूसरे मुकाबले में 3 ही विकेट्स गिरी हैं, तो वो देखकर चलना कि भैया बॉलर्स पहली इनिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्म कर देकर जा रहे हैं। आंद्रे फ्लेचर आपको विकेट तो चटका कर दे रहा भैया तीनों मुकाबलों में, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, पहले मुकाबले में 79 रन करे बहुत बढ़िया पारी, दूसरे तीसरे मुकाबले में इसने रन इतने नहीं करे और इस वजह से इसकी टीम भी हारी है। एस रेगिस ने 29 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी रही है प्लेयर के पास। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ए एलिक्स आपके पास है 31 रन के साथ 1 विकेट हर एक मुकाबले में, ये भी प्लेयर आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। डी साइरस की अगर आप बात करो, 39 रन 0 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद डी मैकडोनल्ड आपके पास है, 4 रन की पारी इसकी रही है। उसके बाद अगर आप देखो, एस जैक्सन आपके पास है 2 विकेट एक मुकाबले में, 4 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद आर हीलिंग आपके पास है, हीलिंग ने 11 रन की पारी खेली है पिछले मुकाबले में। एस जोसफ ने 10 रन और 7 रन, तो ये देखकर चलो टोटली 3 मुकाबलों में 17 रन की पारी खेली है एस जोसफ ने। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है एस जोसफ की। उसके बाद अगर आप देखोगे, एंड फ्रांसिस आपके पास है 0 और 0 और पिछले मुकाबले में जे थॉमस ने 1 विकेट चटकाई थी, मतलब पिछले से पिछले मुकाबले में। अब अगर आप देखो, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है जैक्सन ने और एलिक्स ने, तो अकीम एलिक्स आपको स्टार्टिंग और डेथ में बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है। आंद्रे फ्लेचर ने पिछले मुकाबले में पार्टनरशिप तोड़ने के लिए बीच में बॉलिंग करवाई थी और दोनों ही अपने ओवर खत्म कर लिए थे, 2 विकेट वहाँ पर चटका गया था। उसके बाद डी साइरस आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। नीचे आओगे, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप देखो, क्लोव चैलेंजर आपके पास हैं, तीन में से वही एक मुकाबला जीते हैं, दो अपने हारे हैं, बीच का मतलब सेकंड मुकाबला अपना जीते हैं। टी बिशप 4 रन की पारी, पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेली है। के पीटर्स ने 1 रन और उसके बाद अगर आप देखो, डी नीड ने 9 रन की पारी खेली। साइप्रन ने 4 रन 5 रन के साथ 1 विकेट चटकाई भैया। डी चार्ल्स ने 2 रन की पारी खेली, डी जॉर्जी ने और 18 रन की पारी खेली एम गॉडमैन ने। पिछले मुकाबले में सी थॉमस ने 13 रन की पारी खेली है, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और अगर आप देखोगे तो 1-1 विकेट चटकाई है यहाँ पर। जे नियॉल ने पिछले मुकाबले में विकेट चटकाई, जे बडी ने विकेट नहीं चटकाई। जे बडी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो इस मुकाबले में, कोई दिक्कत नहीं है। डी जॉर्जी स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई जे बडी के साथ, जे बडी ने 2 ओवर करवाए। उसके बाद डी नीड ने 2 ओवर करवाए और मतलब बीच के ओवर्स में आकर बॉलिंग करवाई। जे नियॉल ने 1 विकेट चटकाई और डी चार्ल्स ने डेथ में आकर मतलब 9वां ओवर ये करवा रहा था, 1 विकेट इसने चटकाई। अब एक चीज़ अगर आप देखो, नीचे आपको स्टैट देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया भैया, इस लीग्स में आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ग्रैंड लीग खेलो, ग्रैंड लीग के ऊपर फोकस करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि भैया कैसे आपको एक टीम ऐसी रखनी है जो आपके लिए बॉलर्स फेवरेबल रहेगी, एक टीम ऐसी रखनी है जो बैट्समैन फेवरेबल रहेगी और उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ऐसी ही टीम्स बनानी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पर कुछ पक्का नहीं है कि भैया पिच क्या करेगी। मेन प्रॉब्लम क्या है कि
टीम्स को खुद नहीं पता कि हम किस प्लेयर से ओपन करवाएंगे किस से नहीं, प्लस साथ में कौन सा प्लेयर हमें दो ओवर करवा कर देकर जाने वाला है और कौन सा नहीं, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है इस इन मैचेस में। प्लस साथ में अभी तक कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसी टीम को मिला नहीं है कि विनिंग कॉम्बिनेशन की भैया हम ये कॉम्बिनेशन उतारेंगे, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतेंगे, कम ही मैचेस हारेंगे। उसके बाद अगर आप देखो टी बिशप आपके पास है, एक पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी रही इस प्लेयर की, बट अभी के लिए सिलेक्शन ज़्यादा है, आप आराम से टी बिशप को वैसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो एस चार्ल्स आपके पास है, उसके बाद बैटिंग सेक्शन में एस रेगिस आपके पास है, सी फ्रियाइस्ट आपके पास है, सी थॉमस आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखो एम गॉडमैन आपके पास है, के पीटर आपके पास है। के पीटर इज़ नॉट अ गुड पिक, आप ड्रॉप कर सकते हो के पीटर को, कोई दिक्कत नहीं है के पीटर को ड्रॉप करने में। ऑलराउंडिंग सेक्शन में आंद्रे फ्लेचर, ए एलेक्स, डी नीड, और अगर आप देखो डी चार्ल्स आपके पास है। डी चार्ल्स तक के प्लेयर लेकर जा रहे हैं, मतलब चार ऑलराउंडर ट्राई कर रहे हैं, आप भी डी चार्ल्स के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में जैक्सन, डी साइरस और यहाँ पर जे नियॉल आपके पास है, तीनों प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है। जे बडी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक होने वाला है, अगर आप बॉलिंग फेवरेबल टीम बना रहे हो तो वहाँ पर जे बडी आपके पास होना चाहिए, जे बडी आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो बॉलिंग फेवरेबल टीम में। अब अगर आप देखोगे सबसे पहली टीम की अगर हम बात करें, आंद्रे फ्लेचर एज अ कैप्टन वाइस कैप्टनसी देखोगे तो भैया यहाँ पर एस रेगरिस को दे रखी है, उसके बाद एस चार्ल, डी मैकडोनल्ड, उसके बाद एम गॉडमैन आपके पास है, एस जोसफ, उसके बाद आर हेलिंग, डी नीड आपके पास है, उसके बाद जैक्सन आपके पास है, जे बडी और जे न्यूल, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। वैसे मैं अपने लिए ये टीम ग्रैंड लीग में लगाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं ग्रैंड लीग ही खेल रहा हूँ अभी टी टेन में, मैं स्मॉल लीग के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखो दूसरी टीम कैप्टनसी, यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर वाइस कैप्टनसी, डी नीड, टी बिशप, एस रेगरेस, उसके बाद सी फ्रॉइस्ट आपके पास है, सी थॉमस, उसके बाद एलेक्स, डी चार्ल्स, डी साइरस, उसके बाद जैक्सन और जे न्यूल, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम पर ग्रैंड लीग का अपडेट मिलने वाला है, स्मॉल लीग का नहीं, तो वही देखकर चलना। स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको जैसे बताया यार, ये बहुत रिस्की टीम, वो बहुत ज़्यादा रिस्की मैचेस हैं अभी के लिए। अगर कहीं पर मुझे लगता है कि हाँ ये वाला मैच या कोई मुकाबला आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बढ़िया, तो फिर हम वो स्मॉल लीग के लिए खेलेंगे। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।